खबर मध्य प्रदेश के खाचरौद से है, जहां जंप के प्रदेश अध्यक्ष जोशी का किया गया स्वागत। जंप बनेगा जनता की आवाज। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप के प्रदेश अध्यक्ष नवीन आनंद जोशी, उपाध्यक्ष राजेश जोशी, कोषाध्यक्ष सुदर्शन सोनी का मध्य प्रदेश दौरे के दौरान खाचरौद आगमन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष का स्थानीय रेस्ट हाउस पर जंप के खाचरौद नागदा विधानसभा की टीम के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने बताया कि प्रदेश में पत्रकारों के हित की रक्षा के लिए हमारा संगठन काम करता है। पत्रकारों की समस्याओं के साथ ही आम जनता की आवाज भी जंप बनेगा और आने वाले समय में जंप जनता और प्रशासन के बीच समन्वय बनाकर जनता की समस्या हल करवाने का काम भी करेगा। प्रजातंत्र टीवी के लिए खाचरौद से चंद्रभान सिंह देवरा की रिपोर्ट। पत्रकार का काम केवल यही नहीं होता है कि हम अपनी खबर छाप दें, तनख्वाह ले लें, किसी पर रंगदारी कर लें, यही नहीं होता। अपना काम ये भी है कि जो मजलूम है, जो गरीब है, जो पीड़ित पक्ष है, उसके हम कैसे समस्या दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम या तो यही आपका रेस्ट हाउस है, नहीं जी, हाँ, मीटिंग कर ले। आप भी मिला करो और कुछ आम लोगों को भी समस्याएं का समाधान। वो चौथा स्तंभ हमारा है, वो काम करना है। अपन स्वयं ही स्वस्थ संज्ञान लेके लोगों की सलाह को आम की अपन वॉइस है पब्लिक की। प्रेस जो है वो जनता की आवाज है। उनको सबको नौकरी की तनख्वाह मिलती है। देखो, जज को पैसे मिल रहे हैं, अफसर को पैसे मिल रहे हैं, नेता पेंशन पा रहा है, तनख्वाह पा रहा है। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी।